पति जी हमारे प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं। अच्छा, वो भी प्रिंसिपल हैं। जी भाई। कागवा बड़े रिया पे बोले नाई हर में। आप शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं, एमए की हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हैं, आप इस फील्ड में पहुंच जाती हैं और हर महिलाओं की तरह आप पारंपरिक गीत गाती हैं। लोग कहते हैं अपने बहू बेटियों को और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शिक्षक बनाएंगे। कटहल की सब्जी बनाए, बलम मोर झगड़ा मचाए। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे बीच में मौजूद है अंतिमा जी, जो कि सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं और अपना नाम कमा रही हैं। आज के टाइम में हर कोई इनको देखना और सुनना पसंद करता है, और आप लोग भी सोच रहे होंगे आखिरकार किस तरीके से इनका अंदाज़ है। राहुल भाई तो बड़ा बखान कर रहे हैं, तो बिल्कुल सुनेंगे आज की इस वीडियो में, जानेंगे क्या कुछ इनकी प्रतिभा और किस प्रतिभा के माध्यम से अपने ये ऑडियंस का मनोरंजन करती रहती हैं। चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक से देख रहे हैं तो जाए शेयर करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भैया जी। आज आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, सर्वप्रथम एक गीत होना चाहिए जो आपके चैनल पे सबसे ज़्यादा देखा गया हो। जो सबसे ज़्यादा देखा गया हो? हाँ। कटहल की सब्जी बनाए, बलम मोर झगड़ा मचाए। कटहल की सब्जी बनाए, बलम मोर झगड़ा मचाए। पहली लड़ाई दुआरे मचाए, पहली लड़ाई दुआरे मचाए। गौआ के लोग जुटी आए, बलम मोर झगड़ा मचाए। गौआ के लोग जुटी आए, बलम मोर झगड़ा मचाए। दूसरी लड़ाई आंगनवा मचाए, दूसरी लड़ाई आंगनवा मचाए। मारे बैठे हैं मुहवा फूलाए, बलम मोर झगड़ा मचाए। बैठे हैं मुहवा फूलाए, बलम मोर झगड़ा मचाए। कटहल की सब्जी बनाए, बलम मोर झगड़ा मचाए। वाह, क्या सुंदर आपका आवाज़ है और बड़ा ही सुंदर आपने गीत गाया। क्या लगता है आपके पति जी कटहल की सब्जी नहीं खाते हैं? हाँ, दिक्कत है उनको? नहीं भैया, दिक्कत नहीं है। या फिर टारगेट कर रही हैं आप उनको? नहीं भैया, टारगेट नहीं कर रहे हैं, खाते भी हैं, ऐसा नहीं है। मैंने चुटकुला गीत गाया है। अच्छा, चलिए, मतलब ये गीत का अंदाज था। हाँ, गीत का अंदाज। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अंतिमा जी, अभी आपका मैंने एक वीडियो देखा था, एक इंटरव्यू देखा था। जी भैया। आप शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं, एमए की हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हैं, आप इस फील्ड में पहुंच जाती हैं और हर महिलाओं की तरह आप पारंपरिक गीत गाती हैं। लोग कहते हैं अपने बहू बेटियों को और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे शिक्षक बनाएंगे और इस तरीके का गीत वगैरह नहीं गाने देंगे उनको। आप एक शिक्षक होते हुए भी औधे पारंपरिक गीत को गाती हैं, ऐसा क्या, इसके पीछे का राज क्या है? भैया, जैसे पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं, पढ़ाते लिखाते हैं जी, और हमारा मतलब गाने बजाने का भी मन है तो इसीलिए गाते हैं, और कोई नहीं है कि अच्छा, मतलब अच्छा। क्यों गा रहे हैं कि शौक है? हाँ, शौक है। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे में एक और गीत होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है जी। कोई सा भी आप गीत गाए, चाहे आप शोहर गीत गा सकें और चाहे आप गारी गीत गा सके, जो आपको लगे कि हम बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। कागवा बड़े रिया पे बोले नाई हर में। कागवा बड़े रिया पे बोले नाई हर में। तोह का खियाऊ बे कागवा दूधवा से भातवा। तोह का खियाऊ बे कागवा दूधवा से भातवा। लाई आओ पिया के संदेश नाई हर में। लाई आओ पिया
के संदेश नाई हार में का गवा बड़ेरिया पे बोल नाई हार में का गवा बड़ेरिया पे बोल नाई हार में दूधवायो भतवा का गवा खायो न पावले दूधवायो भतवा का गवा खायो न पावले आई गाय पियावा हमार नाई हार में आई गाय पियावा हमार नाई हार में कागवा बड़ेरिया पे बोल नाई हार में। वाह बड़ा ही सुंदर अंदाज है। पति जी आपके क्या करते हैं? पति जी हमारे प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं। अच्छा, वो भी प्रिंसिपल हैं? जी भैया। मतलब पूरा परिवार शिक्षक विभाग से जुड़ा हुआ है? हमारा शिक्षा से ही जुड़ा है, हमारा अच्छा, चार विद्यालय है। अच्छा, गांव घर में टोला मोहल्ला में कोई कुछ कहता तो नहीं है क्या आप इस तरीके से गीत गाती हैं? शिक्षक कोई कुछ कहता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, अगर कोई कुछ कह रहा है कहे हमको जो करना है हम करते रहते हैं अपना। चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत आगे तक जाइए। एक गीत और होना चाहिए। पिया सालई कर जवा तो हार बतिया पिया सालई कर जवा तो हार बतिया मीठ मीठ बोली बोली वादा तू कहिला मीठ मीठ बोली बोली वादा तू कहिला हमैया अपन बनाया भार ममतिया हमैया अपन बनाया भार ममतिया पिया सालई कर जवा तो हार बतिया पिया सालई कर जवा तो हार बतिया हमसी कहा हम रानी बनऊ भई हमसी कहा तो है रानी बनऊ भई नौकरानी बनाया बीताया रतिया नौकरानी बनाया बीताया रतिया पिया सालई कर जवा तो हार बतिया पिया सालई कर जवा तो हार बतिया। वाह बहुत सुंदर, आपने अभी एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आप शिक्षक हैं, बच्चों को आप शिक्षा ग्रहण करवाती हैं। छोटे छोटे बच्चे जब आपके चैनल को सर्च करते होंगे, घर जाके अपनी मम्मियों को दिखाते होंगे, पापा को दिखाते होंगे, क्या कुछ कहते हैं वो? बच्चे खुश होते हैं भैया, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे कुछ बोलते हैं। हाँ। अच्छा, कोई ये नहीं कहता जब नहीं, आपकी नहीं। मैडम जी इस तरीके से गीत गा जाती हूँ तो बच्चे बताते हैं मैडम जी आपने आज ये गाना डाला है। अच्छा जी, बच्चे भी आपकी प्रशंसा करते हैं? जी। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, मैंने देखा है कि आप लोगों का सपोर्ट भी करती हैं। जी भैया। किस तरीके से सपोर्ट करती है, कहाँ करती है, कैसे करती है? भैया मैं सपोर्ट करती हूँ सुल्तानपुर अपने घर में। किस जगह पे लोगों को आना होगा? अगर आना होगा तो जैसे लोग आना चाहते हैं। हाँ। तो सुल्तानपुर प्यागीपुर के पास, मतलब चौराहा है प्यागीपुर जी, और उसके बगल में एक स्कूल है गणपत सहाय पीजी कॉलेज जी, वहाँ हमारा मकान है। अच्छा, वहीं वही मैं सपोर्ट करती हूँ सबका। अच्छा, चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आज के टाइम में बहुत कम महिलाएं हैं जो किसी दूसरे का सपोर्ट करते हैं, और आप इतना नेक काम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है जी। किस चैनल पे आप काम करती हैं? मैं भैया तीनों चैनल पर अपने काम करती हूँ। अच्छा, जो आपका पर्सनल चैनल है, जिस चैनल के माध्यम से लोग आपको जानते हैं? अंतिमा की जिंदगी। अंतिमा की जिंदगी जी भैया। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक गारी गीत होना चाहिए। बिल्कुल गारी गीत। हाँ। तनी ली है जया समधि जी हमरउ बिदाई तनी ली है जया समधि जी हमरउ बिदाई वाह तनी ली है जया अगुआ जी हमरउ बिदाई तनी ली है जया अगुआ जी हमरउ बिदाई आजा दे भाई बाजा दे भाई और दे भाई सहनाई आजा दे भाई बाजा दे भाई और दे भाई सहनाई तोरे बहन के घोड़ा दे भाई टक टक दौड़त जाई तनी ली है जया तनी ली है जया समधि जी हमरउ बिदाई तनी ली है जया समधि जी हमरउ बिदाई। लग रहा है आपकी विदाई तो जरूर ले जाएंगे, भूलेंगे नहीं। बहुत अच्छा लगा आपका यह गारे गीत, और बहुत अच्छे ढंग से आप गाती हैं। देखिए क्या होता है, हमारे भारत देश में और हमारे पूर्वांचल में गांव घर के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी घर की बहू बेटियां महिलाएं
सोशल मीडिया पे आए, नाच गीत गाएं, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं को इज्जत का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में आज के टाइम पे लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, गीत को गा रहे हैं और अपने नाम को बड़ा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी अपने नाम को बड़ा कर रही हैं जी भैया जी। ऐसे में आगे क्या कुछ करेंगी आप? भैया लोगों का सपोर्ट रहेगा तो अगर बच्चे पढ़ लेंगे उस लायक हो जाएंगे और मैं भी हो जाऊंगी तो मैं जितना मतलब कितना भी बड़ी हो जाऊं लोगों का सपोर्ट करती रहूंगी और जो भी बन पड़ेगा वो भी करूंगी और अपने नाम के लिए तो जरूर कुछ करूंगी जी, जी, अभी मैंने सोचा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने नाम के लिए करिएगा और बहुत अच्छा लगता है आपका यह सारा अंदाज। जो महिलाएं सोशल मीडिया पे आना चाहती हैं उनको क्या कहेंगे? जैसे जो लोग आना चाहती हैं, जो लोग गान मतलब अच्छे से गा रही हैं, मेहनत कर पा रही हैं, उन लोगों को ज़रूर आना चाहिए। सोशल मीडिया कोई ख़राब चीज़ नहीं है, जैसे हम जितना ख़राब वीडियो डालेंगे उतना ही हमारे पास कमेंट आएगा, ख़राब कमेंट। अभी मैं 3 साल 4 साल से काम कर रही हूँ, अभी तक मेरे पास ऐसा कोई कमेंट नहीं आया कि जो ख़राब हो, मतलब मुझे किसी को बोलना पड़े, ऐसा कुछ नहीं आया। अगर हम लोग ठीक से काम करेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कोई ख़राब कमेंट या कुछ भी करेगा जी भैया। चलिए बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आप लोग इनको भरपूर ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा और इनको सपोर्ट करिएगा। अंतिमा की ज़िंदगी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है कि नहीं? ये अभी आपने एक दो और चैनल बताया था, अंतिमा की ज़िंदगी पहला चैनल है जी, और ललिता एंड अंतिमा की ज़िंदगी दूसरा चैनल है, बीवान अंतिमा ब्लॉग तीसरा चैनल है जी। चलिए दोस्तों आप लोग जाइएगा इनके चैनल पर, विजिट करिएगा, भरपूर ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। बाकी क्या कुछ आप लोग कहिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहते हो, आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पे।